ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यास में प्रवेश करने को तत्पर हैं। मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं अब संन्यास लेने लगा हूं, सोचता हूं तुम दोनों में अपनी संपत्ति बांट दो। मैत्रेयी और कात्यायनी, तुम्हारा जीवन सुख से बीते, जीवन चैन से बीते। सुनकर मैत्रेयी कहती है कि इस इतनी संपदा से प्रश्न भी बहुत ही गहराई को लिए है, इतनी बड़ी संपत्ति से तो मुझे पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। याज्ञवल्क कहते हैं, मैत्रेयी, संपत्ति से सुविधाएं मिलेंगी, सुख नहीं। अंग्रेजी में कहें तो कंफर्ट्स, यस, हैप्पीनेस, नो। सुविधाएं मिल जाएंगी निसंदेह, शरीर को सुविधाएं चाहिए, उसके बिना शरीर नहीं चल पाता। पर सुख विषय अलग है, मैं केवल भाव साझे कर रहा हूं आपके साथ, श्लोक के शब्दों के अनुरूप नहीं चल रहा पूरा भाव, मूल तो भाव है ना। मैत्रेय के मन में जिज्ञासा कि अगर सुविधाएं मिल गई तो सुख और है क्या? सामान्यतः हम इसी को तो सुख मानते हैं, जब पूछते हैं कैसे हैं वो, सुखी हैं, सुखी, बहुत सुखी है। सुविधा और सुख, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, ये भेद तब पैदा होता है विशेषकर या तो पूर्व जन्म से योग के संस्कार लेके जीव आया हो, फिर तो बड़ी जल्दी अपने आप ये भेद उत्पन्न हो जाता है कि सुविधा और सुख में भेद क्या है। अन्यथा तब जन्म लेता है जब मनुष्य के पास सुविधाओं की कोई कमी ना हो, अपार धन संपदा सब, फिर भी वो कहे कि समथिंग मिसिंग, कुछ छूट रहा है। सब कुछ तो है, जो कुछ भी चाहो वो है, एक मिनट में कार्ड स्वैप करो और ले आओ, क्या चाहिए? पर नहीं, देयर इज समथिंग मिसिंग। तब पता लगता है कि सुविधा और सुख, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, भिन्न है। याज्ञवल्क्य उन्हें उत्तर दे के समझाने की चेष्टा में है, नाना प्रकार के विषयों का उल्लेख करके। He goes on referring to अलग अलग विषयों का नाम लेके, चाहे वो धन संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, सोना, संबंध, पुत्र पौत्र इत्यादि। वो एक संकेत देते हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये आज मैं आपको सत्संग में ले रहा हूं और यही भाव कुछ दिन पूर्व ध्यान समाप्त उपरांत जो सुबह की चाय मैं बनाता हूं उस पर विनीता से यही बात मैं कर रहा था। सुख अंतुद्गत्वा प्राप्त होता किसको है? कभी ध्यान से मनन करें, सुख तो स्व का विषय है, बाहर के समस्त साधन केवल जुटते हैं क्योंकि हमें एक भ्रम है कि ये सुख देंगे,
पर सुख तो वस्तुतः चैतन्य विषय है, चेतना का विषय है। जड़ पदार्थ उसमें क्या पूरक है, पूर्ति कर सकता है? सुख की पूर्ति नहीं कर सकता। चैतन्य की पूर्ति जड़ नहीं कर सकता, असंभव है ये। अगर चैतन्य की पूर्ति जड़ कर सके तो एक ही गाड़ी में बैठ करके जो सुख, तथाकथित सुख, सो कॉल्ड अनुभव एक समय हुआ, दूसरे समय मनस्थिति खराब होने से वो गाड़ी देखने का मन नहीं होता, तो सुख कहां रहा फिर? सुख तो गाड़ी में था ना, कितनी कंफर्टेबल गाड़ी थी, बड़ा आनंद आ रहा था बैठ के चला के। अब चूंकि मनस्थिति ठीक नहीं है तो वही गाड़ी में बैठना और चलाना मन ही नहीं कर रहा। पदार्थ यथावत है, उसके इंजन भी ठीक है, सीटें भी ठीक है, बिगड़ क्या गया? सुख को प्राप्त करने वाला बिगड़ गया, उसकी स्थिति अभी असंतुलित है। तो सुख कहां था फिर? सुख तो चेतना का विषय, चैतन्यता का विषय, वो जड़ में नहीं है। जड़ के भ्रम से ढूंढता वो वही है उसे अपने भीतर, जड़ के भ्रम से ढूंढता वो वही है। ये अध्यात्म का साधक समझ सकता है, बाकी ने बाकी को समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो अटक के रह जाएंगे और अपने उदाहरण को बार बार दोहराएंगे। पर अध्यात्म का साधक आगे आ सकता है। ये सत्य है कि सुविधाओं का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, ना मैं इसका खंडन करता। इस सुविधाओं का, अभी सुबह ध्यान से पूर्व भी मुझे पानी चाहिए होता है, तो ये थर्मस एक सुविधा है जो गर्म करके पड़ा रहता है, मेरे काम आता है। इसके महत्व को नकार नहीं सकते, कदापि नहीं। इस जैसे और भी जितने साधन, उनके महत्व को नकार नहीं सकते। पर क्या ये सुख है? और अगर सुख मिलता भी है पदार्थ से, तो कौन लेता है? और कौन कभी स्थिति बदलने पर नहीं ले पाता है? ब्रह्म ऋषि का उल्लेख है कि सुख तो भीतर से ही उठ रहा है, जिसकी खोज में जीव बाहर के पदार्थों से जोड़ के उसके पाने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो ब्रह्म में है अभी। अन्यथा सुख तो स्व का विषय है, भीतर का विषय है। योगियों को वही सुख जब भीतर से प्राप्त होना आरंभ हो जाता है, तो बाहर की सुविधाएं कम भी होती हैं तो उनको आंसती नहीं है, तो उनको आंसती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब सुख का छलावा बाहर नहीं है, क्योंकि वो जान चुके चेतना का विषय है सुख, जड़ का नहीं है। जड़ सुविधा बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सुविधा और दुविधा भी, पर सुख नहीं, सुख अलग है। ये या तो साधक समझ सकता है, या वो जिसके पास अपार संपदा है एंड समथिंग इज मिसिंग, वो जान सकता है सुविधा सुख का भेद। कल पूर्णिमा है रात्रि, उसका जब उच्चारण होगा महामंत्रों का, लिंक सब साधकों को ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।